अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुनीफ टीवी एंड आई एम सूफिया हुमायूं मुनीफ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का सबसे पहले मुझे आप लोग को नाम बताना चाहिए था, लेकिन अभी वो मुझे मालूम नहीं है। मेरे लिए वो सरप्राइज़ है। सानिया के पापा ने एक सरप्राइज़ प्लान किया है उनके लिए और वो उनको लेके जा रहे हैं, तो मुझे भी कहा कि आपके साथ चलिए। ठीक है, ओके, चलते हैं। अब देखिए क्या होता है। वैसे इतना मुझे थोड़ा सा हिंट है कि सानिया पेट लवर है, तो कुछ उससे लिंक हो सकता है। लेट्स सी। वैसे हुमायूं थोड़ा हिंट तो दें, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? सानिया का जैसा कि बताया गया, अभी पूरा सेमेस्टर ऑफ हुआ है और ये मुझे पिछले एक डेढ़ महीने से बोली थी पापा मुझे कोई ऐसी जगह लेके जाए कि मेरा दिल खुश हो जाए। तो ऑब्वियसली मैंने उसके लिए प्लान किया है, मैंने अपने कुछ दोस्त हैं उनके साथ प्लान किया और ये कुछ बहुत ही अच्छा सरप्राइज होगा व्यूअर्स के लिए भी और सानिया के लिए भी। ओके जी, तो चलते हैं जनाब। अभी कितना डिस्टेंस रहता है यहाँ से? देखें बता, हम यहाँ पे लियारी एक्सप्रेस वे से जो है ये सुराब को उतर रहे हैं फिर हाईवे पे यहाँ से चढ़ रहे हैं। आई थिंक अभी 15-20 मिनट्स होंगे। जी बिल्कुल। जी व्यूअर्स, अभी हम सुबह जल्दी जल्दी में निकले थे, आज संडे था, थोड़ा उठ के भी लेट थे, तो बस ये रास्ते से ब्रेकफास्ट लेके डंकन से और हम आगे निकल रहे हैं। जी व्यूअर्स, अब बस सिर्फ 1 or 2 मिनट्स का रह गया डिस्टेंस, तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं। मौसम कुछ गर्म नहीं लग रहा आज? हाँ, टेम्परेचर थोड़ा रेज हुआ है अभी। अब पूरा दिन गुजारना है तो कैसे गर्मी को बता दिया? ये तो करना पड़ेगा जनाब, टेम्परेचर को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे पिछले दिनों सर्दियाँ रही थी तो बहुत अच्छा मौसम रहा था, थोड़ी सी अब उसकी आदत हो गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वापस ट्रैक में आ रहे हैं गर्मियों की तरफ। कराची में तो इतनी गर्मियाँ ही ज़्यादा होती हैं। और सानिया का सरप्राइज, सानिया का सरप्राइज अभी भी हो गया। और हम आ जाए हैं सिम्बा किंगडम। वाओ सानिया, समथिंग फ्रॉम माय लिस्ट। वाओ, आई लव यू बेटा। चल चल चल, वो तो मैंने कॉल कर। ओके जी, अब हम अंदर जाते हैं, फिर आपको भी अपने साथ साथ रखेंगे और दिखाएंगे। ओके, अब हम अंदर जा रहे हैं फार्म के और फिर आपको जो भी एनिमल्स यहाँ पे होंगे उन साथ साथ खाते रहेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त सानिया अपने बाबा के साथ जा रही हैं लाइन केज की तरफ और मैं बहुत पीछे पीछे हूँ और दूर दूर ही रहूँगी। केज के बाहर से तो मैं शूट कर लूँगी और इनके अगर केज के अंदर जाके ये लोग जब जाएंगे तो फिर मैं इनको कैमरा लोअर कर दूँगी और बाहर से ही देखूँगी। अभी तक तो मेरा यही प्लान है, लेट्स सी, हो सकता है मे भी आगे जाके थोड़ी सी हिम्मत आ जाए। जी व्यूअर्स, सानिया और सानिया के बाबा तो डायरेक्ट लाइनस के केज में ऐसे चले गए कि जैसे उसमें कोई
वो कैट है या फिर कोई गोट है। मैं तो बहरहाल यहीं पर सेफ फील कर रही हूँ फ़िलहाल और मूवी बना रही हूँ। ना सानिया को डर लगता है ना सानिया के बाबा को डर लगता है, क्या ना? अब सानिया मुझे भी बुला रही हैं। सानिया बस मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकती, बस यहीं से देख रही हूँ मैं आपको। जी व्यूअर्स, इस वक्त आयतल कुर्सी और जितनी हिफाजत की दुआएं मुझे आती हैं वो मैंने पढ़ ली हैं, क्योंकि सानिया बुला रही हैं और मेरे बाबा भी कह रहे हैं आ जाए, तो थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी मुझे। तो अभी फिर थोड़ी देर में मैं भी केश में जाऊंगी। ब्रेव गर्ल माशाल्लाह। सानिया के बाबा सानिया की पिक्स ले रहे हैं। सानिया ने लाइनस को इतना प्यार किया कि वो सो गई, उसको इतना सुकून मिला। इवेंचुअली मैं भी लाइनस के केज में चली गई। लाइनस थोड़ी सी एग्रेसिव हुई थी बट सानिया बस चिल। फिर हम सिम्बा को देखने गए। सानिया केज में देख रही थी और थोड़ी देर में फिर सानिया ने फरमाइश करी कि मुझे केज के अंदर जाना है। ये व्यूअर्स, अभी हम इस लाइन से मिलने जा रहे हैं, अफ्रीकन वाइट लाइन से, और अभी केज के अंदर जाएंगे। मेरा माइंड बिल्कुल नहीं था केज के अंदर जाने का, पर आई चेंज माई माइंड। आई थिंक आई शुडन्ट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो, देयर इज अनदर स्लीपी लाइन। हाय, हे बेबी, वेक अप। हेलो, Hey, wake up. Good morning. Good morning. No, he's so sleepy. यहाँ पे कप्स भी हैं, पहले यहाँ लारा होती थी जो कि यहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर दिया किसी दूसरी जगह पे, लेकिन यहाँ पे कप्स यहाँ पे होंगे, उससे शायद हमारी अभी होती मुलाकात देखते हैं। जी व्यूअर्स, सानिया ये बंगाल टाइगर का कप लेकर आ गई हैं और माशाल्लाह बहुत हेल्दी बेबी था लेकिन बहुत रेस्टलेस था। मैं तो हैरान हुई थी कि माशाल्लाह से सानिया इसको कैसे हैंडल कर रही है। हे बेबी, सानिया वहाँ पे देखिए स्नेक खुला हुआ घूम रहा है। हमारे आप उठा रहे हैं इसको। मेरे पास नहीं लेकर आइएगा प्लीज। ये हमायों साहब को और सानिया को सांप पे दोबारा से इस पे स्नेक पे प्यार आ गया। पाइथन इतने मज़े से चल रहा था सानिया को और उनके बाबा को सानिया के दोबारा से प्यार आ गया इसके ऊपर।
ये मेरे डायरेक्शन में क्यों आ रहा है? देखो भाई मेरे साइड पे नहीं आओ, मुझे दूर दूर से अच्छे लगते हो बस। ये हुमायूं साहब ने भी इस वक्त लिया हुआ है स्नेक। हुमायूं कौन सा स्नेक है ये? पाइथन। अभी सानिया ने लिया हुआ था, अब सानिया के बाबा ने लिया हुआ है और मैं इसको सिर्फ दूर से देख के खुश होती हूँ, करीब से नहीं। सानिया ब्रेव गर्ल। सानिया स्नेक के स्किन को, उसके टेक्सचर को, उसकी मूवमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हैं। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे एक स्विंग सीट नज़र आई। मैंने कहा थोड़ी देर तो बैठना बनता है। तो ठंडा साहब है, गर्दन ठंडी हो गई मेरी। अच्छा ठंडा था, मुझे लगा था बहुत गर्म होगा। चलो चलो बेबी की तरह आता है वो, बेबी की तरह। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये ऑस्ट्रिच, ये काउ का प्रति कैसे? ऑस्ट्रिच और काउस को एक साथ रहते हुए मैंने पहली मर्तबा देखा है। सानिया काउस को देखें और प्यार ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद हम क्रोकोडाइल के केज पे गए, लेकिन क्रोकोडाइल अंदर कहीं छुपा हुआ था। व्यूअर्स यहाँ पे कुछ केज में डॉग्स भी हैं। और गोट्स भी हैं। सानिया गोट्स। वो नेक्स्ट केज में वो क्या है? Hey, hello. Hello. Sanya? Sanya? इसको ब्लू काउ क्यों कहते हैं? आपकी फेवरेट है वो। चलो यही कहता हूं। उमर को तो खुशबू आती है वहां से। हां, कहता सानिया को बकरों की आती है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ डक्स भी थी जो हमें देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी और उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे व्यूअर्स फार्म का विज़िट हमारा काफ़ी अच्छा रहा और बहुत अच्छा दिन गुजरा यहाँ पे। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।